सो बहुत ही इजी है गाइस ऐसा मोटर ब्लॉगिंग करना, यहाँ से आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज मैं अपना शेयर करने वाला हूँ एक माइक्रोफोन जो कि आप मोटर ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये है मोनो का AU 400 एंड मेरे को मिला था ये 350 रुपए में। सो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि कैसा है इसका क्वालिटी है और आप भी इसको परचेस कर सकते हो। ये बहुत ही चीपेस्ट है, मतलब 350 रुपए में क्या ही चाहिए। सो 330 रुपीज में मैंने ओनली इसको लिया है, परचेस किया है अमेजोन से। सो इसको आपको कैसे यूज करना है, इसकी क्वालिटी क्या है, तो मैं आपको चेक कराता हूँ आज। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। ऐसा कुछ इसका बैग है, देखो छोटा सा पॉकेट जैसा। एंड ये है माइक्रोफोन जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, 2-3 महीने हो गए इसको करते यूज। तो इसको मैंने परचेस किया था जब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ अपने मोटो ब्लॉगिंग के लिए एंड कैमरे पे यूज करता हूँ मैं इसको। सो इसके अंदर दिखाता हूँ आपको क्या है। सो ये दो चीज मेरे को मिली थी, ये है 3.5 mm का कनेक्टर। तो ये है कॉलर पे होल्ड करने के लिए, एक ऐसा दिया गया है चिमटी जैसा, और इसमें दो थे तो एक अभी रखा है कहीं पर, देखना पड़ेगा। सो गाइस इसकी जो वायर की लेंथ है 78 इंच, मतलब कि 200 सेंटीमीटर की वायर है ये, ज्यादा लॉन्ग नहीं है। मतलब हाँ, एक बेसिकली आपको मोटो व्लॉगिंग के लिए बहुत ही काम आएगा, छोटा वायर सही रहता है मोटो व्लॉगिंग के लिए। एंड कैमरे पे भी आप यूज कर सकते हो उसको, क्योंकि ज्यादा बड़ी भी नहीं है वायर, आपको फोल्ड नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको इसको इसमें कैसे अंदर कैसे इसको सेट करते हैं। तो मैं आपको 2-3 सैंपल दिखाता हूँ कैसे इसकी वॉइस क्वालिटी है। सो अभी जो मेरा रिकॉर्डर है वो पूरा फोन से हो रहा है, आईफोन से, इसमें कोई भी माइक नहीं लगा। सो आईफोन के लिए कोई भी कनेक्टर नहीं दिया गया, तो वो आपको परचेस करना पड़ेगा अलग से कनेक्टर। एंड ओरिजिनल लोगे तभी वो वर्क करता है, नहीं तो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है वो। सो मैं इसको एंड्रॉयड में कर रहा हूँ जिसमें भाई 3.5 mm का जैक है, उसी पे यूज कर रहा हूँ। तो भाई ये है मेरा मोबाइल, एंड तो इसको ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो, बहुत इजी है। जैसे ईयरफोन आप यूज करते हो ना, वैसे ही इसको यूज कर सकते हो एंड डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो चलो मैं आपको सुनाता हूँ। सो गाइज जो आप अभी आवाज सुन रहे हो ये है AU 400 का माइक्रोफोन, एंड ऐसा कुछ आ रहा है। सो आप इसको भाई पास में मत रखना, नहीं तो बहुत अजीब सी आती है आवाज़ गड़गड़ गड़गड़ करके। सो थोड़ा सा दूरी रखना, डिस्टेंस बना के रखना। सो ऐसा कुछ आ रहा है, इसका आवाज़ आप सुन पा रहे होगे। एंड मैं अभी कॉलर पे लगाता हूँ। सो ये गाइस लग गया है कॉलर पे। सो ऐसे कुछ आ रही है इसकी आवाज़। सो गाइस अगर आपको ऐसे नॉर्मल यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप इसको, या फिर आपको इसमें मोटो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करना है तो इस पर भी कर सकते हो। सो अब मैं दिखाता हूँ आपको माइक्रोफोन लगाकर इस हेलमेट पे। सो गाइस करना क्या है आपको, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये वायर, एंड इसको आप जस्ट इसको फोल्ड कर लो, थोड़ा सा इसको छोड़ देना लंबा सा, एंड इसको फोल्ड कर लेना पूरे को। जो ये वाला हिस्सा बचेगा ये अभी भाई निकल जा रहा है बार बार विंडशील्ड। सो इसको लगा देते हैं। सो ये लग गया, एंड देखो ये जो पूरा फोल्ड हो चुका है, इतना सा बन गया, छोटा सा बन गया। अब आप इसको इजिली इसके अंदर डाल सकते हो। तो इसको पहले ओपन कर लेना पूरा, इसका जो अंदर से कुशन उसको पूरा ओपन कर लेना, एंड ये जो वाला एरिया जो है ना नीचे से लाना, यहाँ पर आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ आपको कैसे कनेक्ट होगा वो। एंड ये जो माइक्रोफोन है इसको अंदर से लाना, जो कि आप अपने मुंह के पास रखना थोड़ा सा। सो इसको भाई लगाने के बाद इसमें बटन्स होती हैं, ये लगा दिया मैंने। एंड ये देखो गाइस ये लग चुका है, एंड यहाँ पर आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हो, यहाँ से आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास ऑलरेडी है एक्शन प्रो का ये माउंट करने का, एंड इसको मैं इजीली माउंट कर देता हूँ यहाँ से। ये माउंट हो गया एंड यहाँ से आपका फोन लग जाएगा, ये देखो। सो गाइज ये है फोन, एंड इसको कनेक्ट कर लो ऐसे साइड से बैक कैमरे से। एंड ये वाला जो हिस्सा है ना आप इसको बड़ा भी खींच सकते हो थोड़ा सा, तो ये चीज़ ऐसे आगे कनेक्ट हो गई भाई। ये देखो फोन में अगर करना है तो ऐसे, या फिर आपको गोप्रो में कनेक्ट करना है तो गोप्रो तो और आसान है, छोटा सा ही होता है। सो ऐसा कुछ सेटअप आपका बन गया। सो आपको मैं दिखाता हूँ जो मेरे पास पुरानी वीडियो पड़ी है, इस जो मैंने वीडियो बनाई थी इस माइक्रोफोन से मोटो ब्लॉगिंग का, वो आपको दिखाता हूँ, तो वो आप चेक कर लेना कैसा आ रहा है। सो बाकी ऐसा कुछ सेटअप बन चुका है, बहुत इजी है, आप भी इसे कनेक्ट करके ऐसे लगा सकते हो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज मैं भाई करने वाला हूँ, अरे भैंसिया, बहुत सारी भैंसियाँ हैं यहाँ पर। तो मोबाइल में बहुत वीडियो क्वालिटी भाई घटती है, बेकार हो जाती है। गोप्रो का ट्राई करते हैं कभी लेने के लिए, गोप्रो में अलग ही व्यू आएगा, और स्टेबिलिटी जो गोप्रो की है वो अलग ही आती है। तो बहुत ही इजी है गाइस ऐसा मोटो ब्लॉगिंग करना, एंड चीपेस्ट भी है। अगर आप फोन यूज करना चाहते हो तो फोन भी कर सकते हो, एंड माइक्रोफोन बहुत ही अच्छा है ये। सो कैमरे पे लगाओगे तो और अच्छा देता है क्वालिटी, क्योंकि ये जो
कनेक्टर है एंड उसमें जो उसको पावर मिलती है ना माइक को, तो उस वजह से ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगता है। गाइज मैं देखो ऐसा कुछ शूट करता हूँ अपना वीडियो, एंड ऐसे ट्राइपॉड रखा था मैंने अभी, एंड जस्ट यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो अकेले वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत ही दिक्कत आती भाई, कहीं ना कहीं सेट करो फिर लगाओ। अच्छा है कि मेरे पास भाई ये मेरे पास ट्राइपॉड है ना, तो भाई बहुत मदद करता है। तो ये वाला जो आपको कनेक्टर दिख रहा है ये सिर्फ भाई उसमें काम आता है कैमरे लैपटॉप पे, आप इसको लगाओगे मोबाइल पे तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, चलेगा ही नहीं आपका माइक्रोफोन। सो गाइज ये था मेरा पूरा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप, एंड आप भी इसको यूज कर सकते हो माइक्रोफोन को, बहुत ही अच्छा है एंड आप भी यूज करो, अगर खराब भी होता है तो 350 रुपये का है, सो आप इसको इजीली ले सकते हो। तभी मेरे तो कोई दिक्कत नहीं आई, 3-4 महीने हो गए इसको यूज करते, कोई भी दिक्कत नहीं है एंड सो मेरे को लगता है कि ये चल जाएगा अगर अच्छे से यूज किया जाए तो। उसकी वायर आप नहीं खींचने देना, अगर खींच गई वायर तो फिर खराब हो सकता है, कोई भी महंगा से महंगा ईयरफोन हो खराब हो जाता है। सो इस वाले वीडियो में मैं ये सोच रहा था कि जो भी भाई लेने का सोच रहा है ये माइक्रोफोन, तो आप ये बिल्कुल ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है एंड इसको यूज करो एंड तभी आपको पता चलेगा। तो गाइज मेरे को जो भी चीज लगता है कि भाई आप लोगों को भी दिखाना चाहिए तो वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसका मैंने फुल रिव्यू तो नहीं दिया आपको कैमरे में यूज करके लैपटॉप में, बट हाँ मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैंने दे दिया इसको कि आप इसको यूज करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली एंड वॉइस क्वालिटी है जो बहुत बढ़ जाएगी। सो गाइज मैं यहीं पर ब्लॉग को एंड करता हूँ, और आप बताना कि आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, एंड अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज सब्सक्राइब कर दो, और आप सबसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।